मैं किसी शाम सा तुझ में ढलना चाहता हूँ। मैं तेरे करीब और करीब, हाँ और करीब होना चाहता हूँ। तो मैं हूँ आपका दोस्त संगम कुमार और मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए वीडियो लेकर। और आज मैं आपको लद्दाख की खूबसूरती से रूबरू करवाऊँगा, तो बस बैठे बैठे आनंद लीजिए इस सफ़र का। लद्दाख को लैंड ऑफ पासेज भी कहा जाता है। यहाँ की बेपनाह खूबसूरती और ठंडी ठंडी हवाएं एक अलग ही खुलेपन का एहसास कराती है, और यह एहसास सबसे अलग, सबसे जुदा होता है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हर पल हर लम्हा आप खुद को जी रहे हैं। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यहाँ की चुनौतीपूर्ण वातावरण के कारण यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। इसका कुछ हिस्सा चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। लद्दाख आने के बाद आप खुद की सांसों को महसूस कर पाएंगे, आप अपनी धड़कनों को सुन पाएंगे। यहाँ आने के बाद लगता है मानो अब सब सफ़र खत्म हो गया हो और बस दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मंजिल का ही पता है। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल 1.66 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ का औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। लद्दाख उत्तर पश्चिम हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहाँ का अधिकांश हिस्सा कृषि योग्य नहीं है। लद्दाख आने के बाद आप प्रकृति की उस संगीत के तरंगों को महसूस कर पाएंगे जिसे शायद आपने आज तक नहीं किया होगा। यहाँ आने के बाद आप प्रकृति के बहुत ही करीब होंगे और आप प्रकृति की उस दिव्यता और भव्यता को महसूस करेंगे जो आपने शायद अभी तक ना किया हो। गॉडविन ऑस्टिन और गाश ब्रूम लद्दाख की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। आपको बता दें यहाँ का जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। सिंधु लद्दाख की मुख्य नदी है। वैसे तो यहाँ की नदियाँ दिन में कुछ समय ही प्रवाहित हो पाती हैं और शेष समय बर्फ जमा रहता है। लेह लद्दाख की राजधानी एवं यहाँ का प्रमुख नगर है। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोगों का रहन सहन और खान पान तिब्बती और नेपाली लोगों से प्रभावित है। यहाँ का अधिकांश लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और हेमिस गोम्पा बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है। यहाँ आने के बाद आप प्रकृति के सबसे करीब होते हैं और प्रकृति और मनुष्य के बीच के उस जुड़ाव को महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आने के बाद अपने वजूद का, खुद का होने का पता चलता है। यहाँ के वातावरण में शांति और सुकून भरा एक अलग ही खुशबू है, पर यह क्षेत्र शुष्क होने के कारण वनस्पति विहीन है। लद्दाख की घाटी में सरपत विलो एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पंछियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन यहाँ हूप पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़ एवं याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाले जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।